जम्मू कश्मीर के शोपिया के चित्रगांव में ट्रक चालकों पर हुए आतंकवादी हमले में अलवर जिले के खोबाबास निवासी की मौत हो गई। बता दें कि ट्रक चालक इलियास आर्मी के लिए दूध लेकर गया था और गाड़ी आज सुबह खाली होने वाली थी और वापसी में सेब लेकर लौटना था, जिसके बाद आतंकवादियों ने दो ट्रकों को आग के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद घटना को लेकर परिजनों में रोष व्याप्त है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और आर्थिक स्थिति परिवार की कमजोर है। माल ले गया यहाँ से आर्मी का ही जयपुर से, और इसके 5 बच्चे भी हैं। कमाने वाला कोई है नहीं। कब सूचना मिली आपको? हमको रात को मिली है करीब 11 बजे सूचना। ड्राइवर करता था ये, जयपुर से मिलिट्री का दूध ले गए थे यहाँ से। उसके बाद हमें पता लगा रात को करीब 9 बजे, मेरे पास फोन आया कि आपका चाचा एक्सपायर हो गया, उसको गोली मार दी गई है। अब ये पता नहीं है सर, अब किसी से गोली मारी, किसी ने गोली मारी, मिलिट्री ने मारी या किसी ने मारी हो। समय रात को, फिर आप रात हमारे पास 12-1 बजे के सब पुलिस आई थी सदर थाने। शाम को 4 बजे। अभी तो पूछ गए वहाँ से, गाड़ी खाली ना की भरी बड़ी गाड़ी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।